हेलो, नमस्कार टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटीफाई लिविंग में। ये वीडियो दिवाली डेकोरेशन का थर्ड पार्ट है। आज मैं आपके साथ दिवाली लैम्प्स शेयर करने जा रही हूँ। मैंने दो टाइप के लैम्प्स बनाए हैं। फर्स्ट लैम्प बनाने के लिए मैंने 5 लीटर्स का वाटर बॉटल लिया है। उसे मैंने दोनों तरफ से ऊपर और नीचे मार्क कर लिया है और कट कर लिया है। लैम्प का लोअर साइड मैंने स्क्वायर में कट किया है और टॉप साइड को राउंड शेप में बल्ब होल्डर के अकॉर्डिंग कट किया है। नेक्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर मैं टिश्यू पेपर पेस्ट करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्लू एंड वाटर। टिश्यू पेपर पेस्ट करके ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आप कार्बन पेपर के यूज़ से भी इसके ऊपर ट्रेस कर सकती हैं जो डिज़ाइन आप चाहती हैं। अब मैं इस पर कलर करने वाली हूँ। पूरा कलर होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैंने इसमें स्ट्रिंग भी लगा दिए हैं ताकि मैं इसे हैंग कर सकूं। आप इसे टेबल पे भी डेकोरेट कर सकती हैं या फिर हैंग कर सकती हैं। मैं तो अपने गार्डन में इसे हैंग करने वाली हूँ। आप इसे और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए बेस में रिबन्स लगा सकती हैं। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने टेबल पे इसे डेकोरेट किया है और हैंग करके किस तरीके से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेकेंड टाइप का लैम्प। उसके लिए मैंने बॉटल को हाफ कट कर लिया है। मेनली ये वॉल लैम्प है जो बल्ब होल्डर हमारे घर में फिक्स्ड रहते हैं वॉल में, उसके लिए ये होल्डर कुछ इस तरीके से होते हैं। मैंने DIY को क्लीन करके उस पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको पेंट करूंगी। बॉटल कट करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि उसका विड्थ का मेज़रमेंट आप किस तरीके से ले रही हैं। आप जब भी
मेजरमेंट ले बल्ब होल्डर में लगा होना चाहिए प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। एक टिप देना चाहूँगी मैं यहाँ पर आपको, आप ज़्यादा बेटर लुक देने के लिए पहले टिश्यू पेस्ट करके फिर पेंट कीजिए। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बस आपको पीछे एक छोटी सी रस्सी टांगनी है ताकि आप उसे हैंग कर सकें होल्डर पे। नीचे मैंने इसे यू शेप में एक कट कर दिया है ज़्यादा बेटर लुक और लाइट पास होने के लिए।